आइए आज आपकी सैर कांके प्रखंड मुख्यालय स्थित एक सुंदर सा खूबसूरत सा विद्यालय का करा रहा हूँ। चलिए इस विद्यालय के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ के शिक्षकों ने और बच्चों ने इस विद्यालय को सजाया है। विद्यालय का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरसंडे। यहां देखिए कितनी अच्छी वॉल पेंटिंग की गई है और किस तरह से यहां फूल लगे हुए हैं। गमलों में सजा के रखे हुए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इसकी सारी देखभाल बच्चे स्वयं करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि विद्यालयों में बच्चे फूलों को तोड़ लेते हैं, लेकिन यहां इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। सारे फूल गमलों में लगे हैं और बेहतर ढंग से हैं, कहीं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। इस विद्यालय को सजाने और संवारने में जिस शिक्षक ने अहम भूमिका निभाई है, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। पहले आप फूलों को देख लें, उसके बाद उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। छोटा सा कैंपस है लेकिन बेहद खूबसूरत है। ये देखिए डहलिया के भी फूल लगे हुए हैं। यहां देखिए किस तरह से गमले लटकाए गए हैं। बोतलों को काट कर उसमें फूल के पौधे लगाए गए हैं। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम सियोन मिंज है। और ये स्कूल का नाम? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरसंडे। तो ये जो आपने फूल इतने सारे लगाए हैं, तो क्या ये पौधारोपण और वृक्षारोपण ये सारी तकनीक बच्चों को भी बताते हैं? जी हाँ सर, बच्चों को भी बताते हैं सर। और आज के डेट में सर कि यहाँ सारे बच्चे लोग हैं जो 6 to 8 में है, सारे बच्चे लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं इन इन सब कार्यों को करने के लिए। और सुबह स्कूल से टाइम से आधे घंटे पहले आने के बाद वो सारे स्कूल के पीछे साइड में वो फूल के बीज लगाते हैं, बच्चे ग्राफ्टिंग सीखते हैं। और सुबह आने के बाद सारे बच्चे लोग सारे फूल का देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं।
और इन बच्चों को सिखाया भी जाता है कि लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, फूल को कौन सा फूल कौन सा मौसम में खिलता है, सारे बच्चे लोग फूल के नाम भी जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हर फूलों को देखभाल करते हैं। इसका अर्थ है कि ये व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, इस साल ऐसा हुआ कि हम लोग बीज लगाने के बाद नए पौधे हुए और दूसरे स्कूलों में भी हम बच्चे लोग मिलकर के उन पौधों को बेचा गया ताकि दूसरे विद्यालय में भी जो है शिक्षक और बच्चे पौधे के प्रति रुचि हो और वहाँ का भी सुंदरीकरण किया जा सके। तो इसका एक और मुझे लगता है कि बच्चे जब सीख जाएंगे तो ये इसको अपने व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है ग्राफ्टिंग करना भी सीख रहे हैं और ग्राफ्टिंग के साथ साथ में ग्राफ्टिंग में भी बहुत सारे चीज है, जैसे मल्टी ग्राफ्टिंग हो गया तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे सर्कुलेंट पौधे हैं जिनको बताया जाता है कि कौन सा मौसम में किसको कब ग्राफ्ट करना है और कैसे करना है। तो अगर दूसरे स्कूल के बच्चे यहाँ आए तो क्या उनको भी आप सिखाएंगे? बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा कि दूसरे स्कूल के भी बच्चे यहाँ आए और उनको इन पौधों के बारे में जानकारी दे ताकि आने वाला समय में वो लोग एक व्यवसायिक रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सियोन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा भी चला रहे हैं और विद्यालय को भी सुंदर बनाए रखे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।